और यहाँ अभी सर लिए हैं गर्मा गर्म बिरयानी। ये आप दम बिरयानी लिए हैं, कोलकाता बिरयानी नहीं, चिकन बिरयानी है, वही कोलकाता बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। तो टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम है कि पहले खा चुके? पहले भी खाए हैं और हमेशा हम लोग बार बार खाते हैं। टेस्ट बहुत सही है, ये बहुत अच्छा हो गया। चिकन चाप, मटन चाप, अंदर मटन चाप भी है, चिकन चाप भी है, तो चलाइएगा। और एक पीस निकालिएगा तो सर। दो मरतबा बनता है, सुबह 11-12 बजे बनता है, फिर 3 बजे भी बनता है, दो टाइम बनता है। अच्छा, चिकन चाप दो टाइम बनता है? हाँ, दो टाइम। बहुत जगह एक ही टाइम बनता है, लेकिन आपके यहाँ दो टाइम बनता है? दो टाइम बनता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ओए होए होए, ये अभी अभी बन के आया है, अभी अभी बन के आया। अच्छा, अभी अभी बन के आया। और दोनों आदमी का हाथ चल रहा है, देख लीजिए, कोलकाता दम बिरयानी निकल रहा है, उधर उधर मुरादाबादी बिरयानी निकल रहा है। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आए हुए हैं दोस्तों बोरिंग रोड, बात किया जाए एन कॉलेज के ठीक बगल में कृष्णा अपार्टमेंट है, और कृष्णा अपार्टमेंट के अपोजिट यहाँ थोड़ा बोरिंग रोड में क्राउड रहता है, गाड़ी वोड़ी का शोर गोल आप लोग को सुनाई देते रहेगा। और ठीक कृष्णा अपार्टमेंट के अपोजिट एक ऐसा बिरयानी शॉप को हम टूर करने आए हुए हैं। यहाँ का बिरयानी बहुत ही ज्यादा नामी है। बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, चिकन चाप है, मटन चाप है, सारा चीज यहाँ मिलता है, और भी बहुत कुछ मिलता है। चलिए क्या करके सारा चीज दिखाने वाले हैं। बात किया जाए, एकदम यहीं पे बनता है, यहीं पे दिया जाता है, और यहाँ बिरयानी का एक हंडा नहीं, 1, 2, 3, 4 चार चार हंडा को यहाँ रखा गया है, अंदर बनता है। और जैसे जैसे यहाँ माल खत्म होता है, फिर अंदर से लाकर यहाँ पे चावल को कटिंग कर सर्व किया जाता है। बात किया जाए, यहाँ पे जो भी स्टाफ है सभी कोई जोरों शोरों से मेहनत करते हैं। चलिए अंदर का हम पूरा टूर कराते हैं, और फुल्ली एसी रूम है दोस्तों, आप लोग एसी में बैठकर बिरयानी का लुत्फ उठा सकते हैं। रेट पूरा जेन्युइन है, सारा चीज बताने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने। तो जैसा कि दोस्तों गर्मा गर्म देख लीजिए, कुछ इस तरह से हांडी आता है और अंदर पूरा बनते रहता है, यहाँ से पूरा आते रहता है, आप लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक देख लीजिए, पूरा आप लोगों को हांडी ही हांडी दिखता होगा। बात किया जाए, एकदम लाइव बनाया जाता है बिरयानी को, और यहाँ पे लाया जाता है, और देख लीजिए क्या खुशबू आ रहा है, वाह। और बहुत ही यहाँ का नामी बिरयानी है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को चिकन बिरयानी हो गया, मटन बिरयानी हो गया, चिकन चाप हो गया, सारा चीज़ मिलने वाला है। इसके ख्याल हमारे ख्याल से लग रहा है इसके अंदर चिकन चाप है, सारा चीज़ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और जैसे जैसे बिकते जाता है वैसे वैसे बनते जाता है। अभी ये कौन सा बिरयानी आप लिए थे, चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी? ये चिकन हाफ बिरयानी है। कैसा टेस्ट? टेस्ट बहुत डिलीशियस रहता है, हम लोग रेगुलर इधर रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं इंस्टीट्यूट से छुट्टी के बाद, और रेगुलर खा के चले। जो भी मसाला को डालते हैं लोग पूरा प्रॉपर तरीका से यूज किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ना ओवर स्पाइसी है ना कम है, बहुत एकदम एवरेज रहता है, तो बहुत डिलीशियस लगता है। रायता का बात किया जाए, रायता तो इनका क्या ही बताया, रेगुलर आप जिस दिन भी आइएगा इनका सेम टेस्ट मिलेगा, ना कुछ इसमें कमी है, ना कुछ इसमें चेंज ही नहीं होता, तो सेम रहता है। जो दोस्तों बुगलोक शॉप बिरयानी हो गया, यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए तमाम तरह का बिरयानी मिलेगा, और सभी को यहाँ का बिरयानी खाते हैं। यहाँ पे एकदम लाइव हैदराबादी मुरादाबादी चिकन बिरयानी, सारा तरह का चीज मिलता है यहाँ पे, चिकन चप मिलता है, और सभी को आते हैं जोरों शोरों से खाते हैं। अंदर का एम्बियंस का बात किया जाए, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। बात किया जाए, ऊपर में मोबाइल नंबर हो गया, नीचे बिरयानी शॉप का नाम हो गया गुडलक शॉप बिरयानी। बात किया जाए, यहाँ पे किस किस टाइप का बिरयानी मिलता है आइए बताते हैं। स्पेशल मटन बिरयानी 3 पीस लेते हैं, और 1 पीस एक लेते हैं तो 210 का आएगा। फुल मटन बिरयानी 2 पीस लेते हैं, 170 का आएगा। हाफ मटन बिरयानी आप लेते हैं 1 पीस तो 110 का आएगा। स्पेशल चिकन बिरयानी 3 पीस और 1 पीस एक लेते हैं, 190 का आएगा। फुल चिकन बिरयानी 2 पीस लेते हैं, 140 का आएगा। हाफ चिकन बिरयानी 1 पीस लेते हैं, 80 का आएगा। एक बिरयानी लेते हैं 100 का आएगा। आलू बिरयानी लेते हैं 90 का आएगा। इधर लिखा है फुल मटन चप लेते हैं 2 पीस 150 का आएगा। हाफ मटन चप लेते हैं 1 पीस तो 80 का आएगा। फुल चिकन चप लेते हैं 2 पीस 110 का आएगा। हाफ चिकन चप 1 पीस लेते हैं 60 का आएगा। एक्स्ट्रा मटन यहाँ लिखा है पीस 70 रुपया। एक्स्ट्रा चिकन पीस आप लोग लेते हैं तो आप लोग को 40 का आएगा। एक्स्ट्रा एक 1 पीस लेते हैं तो आपको 10 का आएगा। एक्स्ट्रा आलू लेते हैं तो 5 का आएगा, लेकिन 5 रुपये आलू का लिख दिए लेकिन लेते नहीं है। और एड्रेस हो गया बोरिंग रोड नियर कृष्णा अपार्टमेंट के बगल में, आप लोग आइए यहाँ का बिरयानी ट्राई कीजिए। फुल भेज बिरयानी भी मिलता है 130 का, और हाफ भेज बिरयानी मिलता है 80 का, यानी भेज बिरयानी भी यहाँ मिलता है दोस्तों। और भी नीचे लिखा है हैदराबादी बिरयानी फुल देते हैं 120 का, हैदराबादी बिरयानी हाफ देते हैं 70 का, मुरादाबादी बिरयानी भी है आप लोग को 70 का, मुरादाबादी बिरयानी फुल लेते हैं 120 का। और भी नीचे लिखे हैं यहाँ शादी विवाह में सभी प्रकार के ऑर्डर भी लेते हैं। ये इनका पूरा दोस्तों मेन्यू हो गया, और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। बिरयानी शॉप के ऑनर के पास खड़े हैं, सबसे पहले हेलो सर। हाँ सर, बात किया जाए सफर का, क्या सफर रहा अभी तक? जी सफर बहुत बढ़िया रहा सर, हम लोग 2016 से खोले हुए हैं। यही शॉप? जी सर। अच्छा, बहुत पुराना रेस्टोरेंट सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है,
और मसाला शुरू से ही एसी रखे हैं कि एसी बंद नहीं रखे? नहीं, एसी अभी 2 महीने पहले लगाए सर। अच्छा जी, मतलब सोचे कि जो हमारे पुराना कस्टमर है जी जी वो थोड़ा सा अभी तक प्यार दिए उनको कोई तरह का दिक्कत कभी भी नहीं सर। यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा माहौल है, अगर बिरयानी कोई भी आते हैं खाने जी सर तो एम्बियंस के साथ साथ स्वाद भी देते हैं कि नहीं? जी सर, नंबर 1 सर। अगर कस्टमर कुछ अगर मतलब कोई कमी हो तो उसको पूरा किया जा सकता है, और बाई चांस कोई पीस खराब हो या और कुछ भी हो कि पसंद नहीं आया तो वापस दूसरा पीस बदल दिया जाता है। मतलब कस्टमर पीस शाबाशी दे के जाता है सर, ऐसा है सर, समझ गए ना? आपके कारीगर जो सेफ है, जी सर, के हैं हम लोग सेफ नहीं रखते सर, हम लोग खुद बनाते हैं, खुद सप्लाई करते हैं, खुद खिलाते हैं जी मालिक। हम लोग कोलकाता से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए तो दोस्तों, आप लोग कोलकाता का बिरयानी में यहाँ एक तरह से देखा जाए कोलकाता का दम बिरयानी जी, दम बिरयानी है सर बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे कोलकाता का स्वाद दिया बिल्कुल सर बिल्कुल। तो कोलकाता में आप पहले मतलब हमारे ख्याल से कुछ बिजनेस किए थे? हाँ, कोलकाता ही में है और 2-3 ब्रांच मेरा कोलकाता में चलता ही है। अभी चलता है जी सर, एक सियालदा में है, सियालदा में हाँ बिल्कुल, और एक CID मोड़ में है, एक बेलगड़िया में है, बेलगड़िया जी बेलगड़िया में है, 3 जगह मेरा चलता है जी बिल्कुल सर बिल्कुल। दोस्तों जितना भी इनका कोलकाता में प्राइम लोकेशन है, आप लोग वहाँ पे भी अगर वहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके खाइए जी। बात किया जाए यहाँ पे कितना बजे सुबह से बिरयानी? सुबह 11 से सर रात में 1 बजे तक मिलता है सर, और स्विगी जोमेटो के साथ में है, और अगर आप लोग नज़दीक में है 2-4 किलोमीटर के अंदर में तो हम पार्सल भी भेज देते हैं। देख लीजिए दोस्तों अंदर का एम्बियंस बहुत ही प्यारा सा एम्बियंस है, यहाँ पे आप लोग फ्रेंड और फैमिली के साथ आकर बिरयानी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ तमाम तरह का बिरयानी आप लोग को खाने को मिल जाएगा। बात किया जाए, बता रहे हैं कोई हम सेफ नहीं रखे हैं, कोई कारीगर नहीं रखे हैं, जो है खुद बनाते हैं लोग, कोलकाता से पूरा ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं लोग, और इनका कोलकाता में भी 2-3 मतलब ब्रांच चलता है। तो आप लोग यहाँ पे आइए बिरयानी खाइए, और चलिए कुछ और आइए का व्यू दिखाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे। ये हमारे ख्याल से कौन सा बिरयानी हो गया सर? ये हैदराबादी बिरयानी है, बेहतरीन, यानी कोलकाता दम बिरयानी के साथ हैदराबादी मुरादाबादी दोनों देते हैं। कोलकाता बिरयानी यहाँ गुडलक में नामी है, बहुत अच्छा चलता है 7 साल से। हम चाह रहे हैं कोई अगर क्लाइंट आए, अगर हैदराबादी मुरादाबादी बिरयानी का भी डिमांड करें तो लौट के ना जाए, ये भी आप रखे हुए? ये भी हम रखे हुए हैं, चालू किए हैं, दिल्ली से यूपी से कारीगर मंगाए हैं मुरादाबादी हैदराबादी के लिए, बेहतरीन चल रहा, बेहतरीन बन रहा, 5 हाड़ी 6 हाड़ी ये भी बिक रहा है। कलकत्ता का बात किया जाए पूरा स्वाद तो कस्टमर लोग बताते हैं बढ़िया है, सब अच्छा चलेगा ये भी आपका। और कलकत्ता बिरयानी हमारे 10 हाड़ी बिकता है, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट में कलकत्ता बिरयानी ज़्यादा बिकता है, आलू चिकन वाला वो खत्म हो जाता है 15-20 मिनट में, हाड़ी गरम गरम बन के, हाँ फिर गरम बन, सुबह हर 15 मिनट में हांडी खत्म हो जाता है, 15 मिनट में खत्म हो जाता है। सुबह ग्यारह से लेकर रात में 1 बजे तक बिरयानी का सर्विस है। तो अभी काउंटर पे थे आपके छोटे भैया थे ना? हाँ छोटे भैया, वही चेहरा पूरा मिलता जुलता था, इसीलिए दोनों भाई हम लोग साथ में रहते हैं, वो छोटा भाई है बैठता है काउंटर पे, हम बड़ा भाई है, हम मेरा काम है कारीगर को अच्छा से बनवाना, बिरयानी ध्यान देना, हर सामान को सुरक्षित रखना, सामान को बढ़िया से मेंटेनेंस करना, ये चीज काफी अच्छा लगता है। बहुत सारे आज के जमाने में भाई लोग क्या होते हैं, बड़े होकर बिछड़ जाते हैं जी, कोई अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं, कोई अलग, आप लोग पूरा एकता है, मिलजुल के हैं। बड़ा छोटा भाई काउंटर पे बैठता है, हम देख रेख में रहते हैं, अच्छा से बिरयानी बनवाते हैं, सब कारीगर को बढ़िया से सफाई से खाना बनवाते हैं, और बेहतरीन काम चल रहा है, 7-8 साल हो गया कलकत्ता बिरयानी गुड लक सोप बिरयानी बढ़िया अच्छा चल रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ जितना भी आप लोगों को एम्प्लॉय से मिलाएं, जितना भी स्टाफ से मिलवाएं, जितना भी ओनर से मिलवाएं, सभी को एक फीडबैक आप लोग देख के समझ सकते हैं, बहुत ही जोरों शोरों से मेहनत करते हैं लोग और बिरयानी बना के सर्व करते जी। सुबह 9 बजे सब कारीगर उठ जाता है, मुँह हाथ धो के फ्रेश होके सब लग जाते हैं 9:30-10 में, 11 बजे सुबह बिरयानी। मसाला आप लोग उस लेवल का डालते हैं कि नहीं, तबीयत खराब ना? हाँ मसाला बेहतरीन डालते हैं, मसाला आता है अपना कलकत्ता बंगाल से बिरयानी का मसाला आता है, महीना में एक बार आता है, वही मसाला से बनता है, वही कोलकाता का स्वाद दिया, कोलकाता का स्वाद दिया जाता है गुड लक सोप बिरयानी में जी। सर आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा जी, जी धन्यवाद आपका। यहाँ दोस्तों कस्टमर लोग का क्राउड देख समझ सकते हैं, सभी को यहाँ है बिरयानी खाने, और बहुत ही ज्यादा यहाँ भीड़ लगता है, आप भी लाइए बिरयानी खाइए, और जिनको जैसा पीस चाहिए वैसा पीस बोलते हैं वैसा पीस को दिया जाता है, जिनको लेग चाहिए लेग दिया जाता है, जिनको डैना चाहिए डैना दिया जाता है, और देखिए मैम खुद से पीस को डिसाइड कर रही हैं क्या चाहिए, और सभी कोई जोरों शोरों से पैकिंग करा के लेके जाते हैं और यहाँ लाइव खाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये बिरयानी खत्म हो रहा है, दूसरा हांडी अब आएगा, ये कौन सा बिरयानी है? ये मुरादाबादी है सर, मुरादाबाद रहता है, सफेद सादा कलर में रहता है।
हल्का कम स्पाइसी रहता है। हाँ, कम स्पाइसी रहता है। और ये हैदराबादी, ये हैदराबादी है मसाला वाला, थोड़ा स्पाइसी रहता है मसाला वाला। मतलब बहुत सारे आदमी चॉइस करते हैं, बहुत सारे मसाला खाएंगे तो चॉइस करते हैं सब हर तरह के। ज्यादा कोई मांगते हैं मसाला वाला दीजिए तो मसाला वाला देते हैं, कोई मांगते हैं कम मसाला वाला, कम मसाला वाला मांगते हैं तो फिर ये मुरादाबादी देते हैं, इसको मुरादाबादी बोलते हैं। अच्छा, यूपी से कारीगर आया है दिल्ली से। अच्छा, वही बनाते हैं भैया सुबह सुबह उठ के, समझे कि नहीं। मुरादाबादी हैदराबादी चिकन चाप, मटन चाप, अंदर मटन चाप भी है, चिकन चाप भी है, चलाइएगा। और एक पीस निकालिएगा सर। दो मरतबा बनता है, सुबह 11-12 बजे बनता है, फिर 3 बजे भी बनता है, दो टाइम बनता है। अच्छा, चिकन चाप दो टाइम बनता है? हाँ, दो बहुत जगह एक ही टाइम बनता है, लेकिन आपके यहाँ दो टाइम बनता है? दो टाइम बनता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ओए होए होए, ये अभी अभी बन के आया है, अभी अभी बन के आया। अच्छा, अभी अभी बन के आया, मतलब सही है? सही है। और यहाँ अभी सर लिए हैं गर्मा गर्म बिरयानी, ये आप दम बिरयानी लिए हैं, कोलकाता बिरयानी नहीं, चिकन बिरयानी है? वही कोलकाता बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। तो टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम है कि पहले खा चुके? पहले भी खाए हैं और हमेशा हम लोग बार बार खाते हैं। टेस्ट बहुत सही है, बहुत अच्छा टेस्ट। पहले दोस्तों हम अभी अपने लिए मंगवा चुके हैं बिरयानी। बिरयानी में हम लिए हैं, एक पीस लिए हैं मटन और एक लिए हम चिकन। बिरयानी लिए हुए हैं जिसमें चिकन है, मटन है, और इधर लिए हैं चिकन चप। चलिए खा के आपको टेस्ट बताते हैं। और लिए हैं रायता और इधर है सलाद। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों चावल ट्राई करते हैं। जैसा कि भैया बता रहे थे, ऑथेंटिक सा मसाला का यूज किया गया है, ज्यादा मसाला को नहीं डाला गया था, ज्यादा मसाला नहीं डाला गया है। बात किया जाए दोस्तों, मसाला पूरा जेन्युइन डाला गया, आप खाइए कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बात किया जाए चिकन का, चिकन पूरा सॉफ्ट सा है, देख लीजिए दोस्तों, छोटे छोटे मतलब हैंड में आ जाए। आइए वन बाइट लेते हैं चिकन और चावल। इतना अच्छा टेस्ट है दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते। अभी हम थोड़ा सा ट्राई करने वाले हैं चिकन चाप का ग्रेवी के साथ चावल। अमेजिंग टेस्ट है। बात किया जाए चिकन चाप का, पूरा सॉफ्ट सा गल चुका है, लटपट सा चिकन चाप है, और आप लोग ग्रेवी के साथ खाइएगा, मजा आ जाएगा। अब ट्राई करने वाले हैं इनका रायता। रायता का दोस्तों अल्टीमेट से स्वाद आने वाला है। ओवरऑल देखा जाए टेस्ट बहुत ही सही है। यहाँ हम नहीं, यहाँ का सभी देख लीजिए, कस्टमर का भी हम नहीं, यहाँ के कस्टमर बताएंगे दोस्तों। चारों तरफ देख लीजिए कस्टमर का भीड़, सभी को आए हैं बिरयानी खा रहे हैं, और हम भी खाएं दोस्तों, वाकई मजा आ गया। आप फ्रेंड और फैमिली के साथ बिरयानी खाइए।